आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राहुल गांधी का यूपी के कन्नौज में दिया ये बयान आपने सुन लिया होगा। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र श्रीवास्तव। देश में 3 चरण का चुनाव हो चुका है। 4थे चरण की वोटिंग से पहले नेताओं की जुबान और बॉडी लैंग्वेज बदलने लगी है। चुनाव मोदी की गारंटी से शुरू हुआ था, अब राहुल भी गारंटी दे रहे हैं, वो भी जनता को कागज पर लिखवाकर। देश की 543 में से 283 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो चुकी है, यानी आधा चुनाव खत्म हो चुका है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल की जेल से रिहाई हो चुकी है। यूपी में अखिलेश यादव और राहुल गांधी मिलकर धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। वहीं मोदी का चुनावी अभियान अपनी गति से आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस चुनाव में अब तक देश में 115 सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। वहीं राहुल गांधी ने अब तक 67 रैलियां की हैं। मोदी के भाषणों में अब मोदी की गारंटी और 400 पार का नारा कम गूंज रहा है। वहीं राहुल एंड टीम फुल जोश में है। सुनिए राहुल गांधी ने यूपी के कन्नौज में क्या कहा। भाइयों और बहनों, एक बात याद रखो, चुनाव में 10-15 दिन बचे हैं, मगर एक बात गारंटी करके लिख लो, हमने जो काम करना था अखिलेश जी ने, इंडिया गठबंधन ने, हम सब ने मिलकर पिछले 2 साल से हम काम कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, न्याय यात्रा, इंडिया गठबंधन की मीटिंग, हमने जो काम करना था भाई और बहनों हमने कर दिया है। आप गारंटी लिख के ले लो, नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। राहुल गांधी के जोश की वजह मनोवैज्ञानिक है या फिर उन्हें जमीनी धरातल से कुछ संकेत मिल रहे हैं, इसका जवाब तो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के रणनीतिकार ही दे सकते हैं। लेकिन पिछले 15 दिन के अंदर ये दूसरा वाक्या है जब राहुल गांधी ने पूरी ताकत से दावा किया है कि 4 जून के बाद मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। अभी पिछले हफ्ते ही उन्होंने तेलंगाना में वहां के सीएम रेवंत रेड्डी के साथ चुनाव प्रचार में कहा था कि वो गारंटी देते हैं कि सरकार में आएंगे और 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरियों का वादा पूरा करेंगे। देश की शक्ति, देश के युवा, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है, वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत GST लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं, 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है, 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। यूपी के रायबरेली से पर्चा भरने के बाद राहुल गांधी उत्तर भारत पर फोकस कर रहे हैं। केरल के वायनाड में वोटिंग के बाद राहुल और प्रियंका ने यूपी का रुख किया है। राहुल गांधी पूरी यूपी में प्रचार कर रहे हैं तो प्रियंका ने अमेठी में डेरा जमा लिया है। चुनावी बिसात पर मुद्दों की गर्मी बढ़ी तो देश के बुद्धिजीवियों ने राहुल और प्रधानमंत्री मोदी से सार्वजनिक डिबेट करने की मांग तक कर डाली। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस MB लोकुर की अगुवाई में कई बुद्धिजीवियों ने मांग रखी कि आर्थिक और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों की पर दोनों दलों के प्रमुखों को पब्लिक डिबेट करनी चाहिए, जैसा अमेरिका और कई देशों के चुनाव में होता है। राहुल गांधी ने यह चुनौती कबूल भी कर ली। हालांकि अभी तक प्रधानमंत्री मोदी या BJP की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। मैं 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं प्रधानमंत्री से, मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। लोकसभा चुनाव की आधी पिक्चर खत्म होने के बाद चुनाव की फिल्म अब क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रही है। यह संयोग है कि प्रधानमंत्री मोदी और BJP के धुआंधार प्रचार अभियान के बीच चुनाव में पिछले कई दिनों से कांग्रेस के घोषणा पत्र की चर्चा हो रही है। कांग्रेस के 5 न्याय और 25 गारंटियों का वादा मीडिया और सोशल मीडिया पर भी खूब दिख रहा है। दरअसल कांग्रेस के घोषणा पत्र में कई ऐसी घोषणाएं की गई हैं जो गरीब, युवा, महिला और रोजगार से जुड़ी हुई हैं।
कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में सत्ता में आने पर 50% की आरक्षण सीमा खत्म कर रिजर्वेशन सीमा बढ़ाने, जातिगत जनगणना कराने, संपत्ति का सर्वे कर इसका कुछ हिस्सा गरीबों को देने, किसानों की कर्ज माफी, मनरेगा में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने और 30 लाख सरकारी नौकरियां देने, गरीब महिलाओं को 1 लाख की मदद देने की और बेरोजगारों को ट्रेनिंग देने के लिए 1 लाख की मदद जैसे वादे किए हैं। वहीं बीजेपी का पूरा चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री मोदी और उनके करिश्मे के इर्द गिर्द घूम रहा है। मोदी ने कश्मीर में 370 खत्म करने की गारंटी दी थी। नतीजा क्या हुआ? 370 गई कि नहीं गई? ये बाबा साहब आंबेडकर के संविधान की बातें करते हैं, लेकिन ये इंडी गठबंधन वाले जवाब दें। इतने साल आपने राज किया, संविधान के नाम में गीत गाते रहते हो, लेकिन आपने जम्मू कश्मीर में बाबा साहब आंबेडकर का संविधान लागू नहीं होने दिया था। ये मोदी है जो बाबा साहब आंबेडकर के संविधान को जम्मू कश्मीर की धरती पर भी ले गया, इतने सालों के बाद ले गया। सत्तारूढ़ और विपक्ष के दोनों नेताओं की कोशिश कितना रंग लाती है इसका पता 4 जून को चलेगा। तभी यह फैसला हो पाएगा कि चुनाव में मोदी की गारंटी चली या राहुल की। फिलहाल दोनों दल बाकी चरणों के चुनाव के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गजों के चुनाव प्रचार और उनके मुद्दों से जुड़ा अपडेट हम आपको आगे भी बताते रहेंगे।